नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आगामी समय यानी 29 सितंबर 2019 को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे में माता के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा माँ जगदम्बा जगत जननी की पूजा करते हैं। किंतु मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जानकारी न होने की वजह से 99% लोगों से दुर्गा पूजन में हो जाती है ये 5 गलतियाँ और परिणाम स्वरूप नहीं देखने को मिलता माँ जगदम्बा की पूजा का पूर्ण फल। मित्रों, सर्वप्रथम गलती जो अधिकतर हमारे यहाँ पर देखी जाती है वह यह है कि जब भी हम घर या व्यापार स्थान के ऊपर घट स्थापना करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मिट्टी के बर्तन या परात जैसी स्थिति के अंदर घट स्थापना कर देते हैं, जिसे मित्रों शास्त्र मत अनुसार सही नहीं बताया गया है। शास्त्र मत अनुसार घट स्थापना का सही तरीका है कि जो भी आपका मंदिर प्रांगण है उस मंदिर प्रांगण की जमीन को आप शुद्धता से धोकर मिट्टी की एक चौकी बनाएं। उस मिट्टी की चौकी के ऊपर जौ डालकर उसके ऊपर जल का प्रोक्षण कर तत्पश्चात घट स्थापना करें, क्योंकि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज भी नवरात्रों में उगने वाली खेती को देखकर आगामी वर्ष का अनुमान लगाया करते थे। और जब आप किसी पात्र के अंदर खेती उगाते हैं तो वह सही से नहीं उग पाती। वहीं दूसरी तरफ यदि आप खुले के अंदर मिट्टी की चौकी बनाकर खेती उगाते हैं तो बहुत हरी भरी और अच्छी खेती उगती है, जिसे शास्त्र मत अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए आपको चाहिए कि सदैव पात्र के अंदर खेती ना लगाकर खुली जमीन के ऊपर खेती लगाएं। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह यह है कि मित्रों, नवरात्रि के अंदर बाहर के प्रसाद को लाकर माँ जगदम्बा को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जगदम्बा की पूजन बहुत ही नियमबद्धता से की जाती है। और बाहर से प्रसाद लाकर आप जो जगदम्बा को अर्पित करते हैं उसके बारे में आप नहीं जानते कि वह शुद्धतापूर्वक बनाया गया है या नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि नवरात्रि के नवम दिवस तक शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखें। वह शुद्धतापूर्वक स्वयं के हाथ से बनाया प्रसाद माँ जगदम्बा को अर्पण करें। तीसरी गलती जो अक्सर लोग नवरात्रि के अंदर कर बैठते हैं वह है मित्रों, अगरबत्ती का प्रयोग करना। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनाई जाती है और बांस कब जलाया जाता है ये हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए जगदम्बा की पूजन के अंदर अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, चतुर्थ महत्वता अनुसार अखंड ज्योत का नवरात्रि के अंदर बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नवरात्रि में जिस भी घर में माता के नाम की अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर के सभी सदस्यों को जहां एक तरफ महाकाली रक्षा कवच प्रदान करती है तो वहीं दूसरी तरफ मां लक्ष्मी बढ़ती है अन्न धन के भंडार। और यदि बात की जाए मां सरस्वती की तो मां सरस्वती देती है घर में रहने वाले जातकों को सद्ज्ञान सद्विवेक सदाचार का उपहार। ऐसे में यदि आपके लिए संभवत हो तो नवरात्रि के अंदर अखंड ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। और मित्रों, पांचवी गलती जो लगभग सभी लोग कर बैठते हैं वह है नवरात्रि पूजन के अंदर स्टील के बर्तनों का प्रयोग करना। जी हाँ, शास्त्र मत अनुसार स्टील के बर्तनों का प्रयोग दुर्गा पूजन में निषेध्य बताया गया है। ऐसे में आपको चाहिए कि दुर्गा पूजन के अंदर सदैव तांबे पीतल या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। अब यहाँ बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न भी आएगा कि जिनके घर में चांदी पीतल या तांबे के बर्तन नहीं है वह माँ दुर्गा की पूजन कैसे करें। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, सारे तांबे और पीतल के बर्तन हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। और अक्सर घरों के अंदर पीतल का या तांबे का लोटा तो मिल ही जाता है, उस तांबे या पीतल के लोटे का पूजन के अंदर प्रयोग करें। और बाकी जो थाली इत्यादि की आवश्यकता होती है उसमें आप पत्तों से बनी पत्तल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।